कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। रविवार को एमसीडी के कर्मचारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में करीब 13 कोचिंग सेंटर पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद वहां पर बेसमेंट को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर इलाके में जहां पर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई थी, उनके मालिकों ने उसे बंद कर दिया है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पर सभी जगह पर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी या कुछ जगहों पर अलग अलग जगह पर लाइब्रेरी चल रही थी? यहाँ पूरे एरिया में और राजेंद्र नगर में यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसमें 95% जो लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट के अंदर ही चलती हैं। अच्छा। तो कल से जब इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ओनर्स ने और जो भी मतलब इसके मालिक थे उन लोगों ने अपने आप सुबह सुबह लाइब्रेरीज बंद कर दी और एंट्री उसमें दे नहीं रहे हैं। तो अब हमारा ये कंसर्न है कि 20 सितंबर से एग्जाम चालू होने वाले हैं मेंस के, तो हम लोग कहाँ जाके पढ़ें, क्योंकि एक आदत बन जाती है लाइब्रेरी जाके पढ़ने की। और एक या दो या तीन लाइब्रेरीज होंगी यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हैं, तो उसमें लिमिटेड सीट्स हैं और वो लोग चार्ज इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही कंसर्न था कि अगर वो लोग मतलब लाइब्रेरी अपनी चला रहे थे, कोई वो लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, तो लाइब्रेरीज बंद कर दी, तो हमारे कंसर्न है कि हम लोग जाके मतलब पढ़ें कहाँ पे। सामने जो गेट देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है? हाँ हाँ, ये भी लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स में जाएंगे यहाँ पे 80% बिल्डिंग्स की जो बेसमेंट है वो लाइब्रेरी ही है सारी, और कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं होते। एक ही एंट्री होता है, एक ही एग्जिट होता है जो कि बायोमेट्रिक से टोटली कंट्रोल्ड होता है। तो उसमें भी अगर कुछ हो गया तो फिर कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए ओनर्स ने लाइब्रेरी बंद कर दी है सारी की सारी। तो क्या कह रहे हैं ओनर्स आपको? ओनर्स कुछ बोल ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि बस लाइब्रेरी बंद है, अभी हम लोग आपको बताएंगे जब खुलेगी, ऐसा हम लोग कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अभी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ बायोमेट्रिक वाला इशू है, यहाँ बिल्डिंग में भी बायोमेट्रिक का इशू है। एक ही मतलब एक ही पैसेज है यहाँ पे आने जाने के लिए, और तो कोई इशू मतलब वही इशू है कि मतलब लाइब्रेरी भी वैसे ही है और बिल्डिंग का भी वही इशू है कि आने जाने में एक ही पैसेज है और बायोमेट्रिक का बस वही चालू है। तो मतलब रेस्क्यू के लिए कोई हाँ एग्जाम भी, इस तरह से हादसा हुआ है उस वक्त बताया जा रहा था कि एक ही रास्ता था आने जाने का। हाँ। तो काफी दिक्कतें लोगों को आई और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी काफी दिक्कतें आई थी। हाँ हाँ, अभी तो यही बता रहा। अभी जैसा तो यानी कि अब ये मालिक क्या कह रहे हैं, लाइब्रेरी के मालिक आपको क्या बता रहे हैं? अभी तो वो कुछ बोल नहीं रहे, अभी बोल रहे हैं कि पता भी नहीं हमको कब लाइब्रेरी शुरू होगा या कैसे होगा। वो तो बोल रहे हैं कि सामान लेके सब चले जाओ अपना, अभी हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो यानी कि नॉर्म्स उन्होंने फॉलो नहीं किए और दिक्कत आपको आ रही है क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं हो पा रही? एग्जैक्टली, नॉर्म्स तो फॉलो नहीं हुए, दिख रहा है वो सब क्योंकि सारी बेसमेंट में लाइब्रेरी है, दिक्कत आपको पढ़ाई की? हाँ, अब हम बच्चे रूम पे पढ़ते मतलब इसीलिए लगाते हैं लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। रात के वक्त लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे आप? 24/7 हाँ, 24/7 लाइब्रेरी चलती है यहाँ पे। कुछ लोग और भी मौजूद है छात्र, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? यही लाइब्रेरी से रिलेटेड ही परेशानी आ रही है। अभी इसका ये है कि जो भी लाइब्रेरी देखोगे आप ORN में, ये सब बेसमेंट में ज़्यादातर, दो तीन है वो उनका पता नहीं अभी चार्जेस क्या है और क्या नहीं है। बस यही है कि उनका एंट्री और एग्जिट से हम एक ही रहता है, एक ही पैसेज है। तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई? बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है जिनके पास NOC नहीं थी, वो अभी तक पूरे पोस्टर वोस्टर उनके बैनर वैनर सब हट चुके हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज नहीं है यहाँ पे। तो रात में बैठ के आप पढ़ाई करते थे आराम से, अब वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है? हाँ। क्योंकि नॉर्म्स इन्होंने फॉलो नहीं किया जिन्होंने बेसमेंट बना रखी थी, अब उन्हें बंद करना पड़ रहा है, तो अब आपको दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत सारी लाइब्रेरीज के पास NOC नहीं है, वो चल रही है यहीं पे बहुत टाइम से, पता नहीं क्या है, क्या MCD का कोई रोल पता नहीं। छात्र हैं जिनका ये कहना है कि जो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनाई गई थी उनके मालिकों ने वो लाइब्रेरी को बंद कर दिया है, जिसके चलते अभी ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बात की जाए, हादसा जैसे हुआ था उसको लेकर MCD एक्शन मोड पे आ चुकी है। अब जगह जगह पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है और जहां भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो उसे बाकायदा सील किया जा रहा है। तो साफ है कि राजेंद्र नगर इलाके में जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद अब जहां एक तरफ पुलिस जाँच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ MCD भी एक्शन मोड पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी छात्रों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉर्म्स तो मालिकों ने फॉलो नहीं किए लेकिन पढ़ाई का नुकसान इन छात्रों का होता हुआ नजर आ रहा है। नदीम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत।